مستقم قلنا في كتاب مبين پروردگار نے فرمایا کائنات کو خوش تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ آوے فرمایا کائنات کو چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن دے اندر نہ آوے اللہ نے مقتی موقع دیتی فرمایا قلنا فی کتاب مبین फरमाया सारा कुछ कुरान च है सारा कुछ कुरान बिच है सारा कुछ कुरान बिच है सदे जग वालों सारा कुछ कुरान बिच है कुरान मुहम्मद सीने सारा कुछ कुरान च है कुरान मुस्तफा दे सीने बिच है मेरे नबी ने अपनी जुबान जद चुसाई ना मौला अली नू तुसा कदे गौर कीते कि बच्चा पैदा होवे ना मामू गुड़ती दे जे चाचा भुलेखे ना गुड़ती दे ही लवे ना भुलेखे ना बच्चा बड़ा होके शरारत करे ते मां बीबी च बैठ के कहंदी है उतरा चाचे ते गया है जे गुड़ती दीती होवे ना मामू ने ते बच्चा शरारत भी करे ते मां बड़ी खुश होके कहती है माशाल्लाह मामू ते गया ते यार जे पंजाब दी मां नू पता बच्चा गुड़ती पे जांदा है ते जिन्हां नू गुड़ती मुस्तफा दीती सी उन्हां फिर मुस्तफा ते जाना सी उन्हां फिर नबी ते जाना सी उन्हां दी फिर हर अदा ही नबी वर्गी हर अदा ही नबी वर्गी कायनात अंदर मेरे नबी वर्गा सखी कोई नहीं ना ते सखी अली वर्गा भी कोई नहीं सखी अली वर्गा भी कोई नहीं ते सखी अली दे पुत्र वर्गा भी कोई नहीं सखी फिर सैयद हजारा पर का वर्गा भी इस आसमान दे नीचे जमीन ने कदे विखरे ही नहीं एक गल सुन लो ते मैं जा मेरा नबी ते एटा सखी ना 10,000 बकरियां मेरे नबी नु मिलियां 10,000 बकरियां हिस्सा मिलया एक दिन मदीने दी गली च मेरे नबी जा रहे ते सफवान मेरे नबी नु मेना मार के कहंदा मोहम्मद बड़ा अमीर हो गया है हुजूर फरमा किवें क्या लगा तेनु 10,000 बकरियां मिल गईयां ते राह जांदे हिस्सा मिल गई हदीस पाक च पढ़िया के दो पहाड़ा के दरम्यान जी वादी ते घाटी सी ना वो सारी ना बकरिया ना भरी सी अज के दौरे च एक बकरी खरीदना कितना महंगा है 10,000 बकरियां ते काफिर मेना मार के कहने लगा मोहम्मद बड़ा अमीर हो गया है हजूर ने फरमाया झलिया तू अजे मोहम्मद की अमीरी वेखी का दी कहने लगा फिर अमीरी की होंगी है फरमाया मेरी अमीरी ए नहीं कि रब ने 10,000 बकरियां मैनू दीतियां ने फरमाया मेरी अमीरी है जा मोहम्मद ने सारियां तेनू दे दीतियां ने 10,000 बकरियां ले जावे ते नाले लोगों नू कलमा पढ़ता जावे ते नाले आखे लोगो जाओ जाके मुहम्मद का कलमा पढ़ लो मुहम्मद इन्ना रज रज के देंदा जे गरीबी का खौफ ही मुका देंदा जे फिर आदत अगू नबी वर्गी सी ना नबी वर्गी तो याद ना कि मौला अली एक सफर तो थक के आए थे दरवाजा खटकिया मौला अली ने कंबर नो अपने गुलाम नो फरमा देख बाहर कौन उन्हें अर्ज की हुजूर एक मंगता आया की मंगदे हुजूर ओ एक रोटी पिया मंगदे मौला अली ने फरमा कंबर तेनु मेरी सखावत दा पता है तू रोटी दे दे कंबर ने अर्ज की हुजूर मैं भी तुहाडे नाल सफर तो थक के आया ते ओ जिहड़ियां रोटी है ना ओ रोटियां वाले तबाक दे अंदर है मौला अली फरमा दे चल सारा तबाक ही दे दे कहन लगा हुजूर ओ जिहड़ा तबाक है ना ओ अजे ऊंट दे कचावे ते वे ते मैं उतारिया नहीं आपने फरमा चलो नु कचावा भी नाल ही दे दे कंबर फिर खड़ा मौला अली फरमाते ने जानता नहीं अर्ज करदा हुजूर माफ करिया जी ओ जिहड़ा कचावा है ना ओ ऊंट तो मैं अजे उतारिया ही नहीं मौला अली फरमाते ने चलो नु ऊंट ही दे दे ओ रोटी लैन आया है फरमा ऊंट दे दे कंबर फिर खड़ा मौला अली फरमाते ने जानता नहीं कहन लगा हुजूर ओ जिहड़ा रोटियां वाला ऊंट है ना ओ 70 ऊंटां दी कतार दे विच कार खड़ा है मौला अली बड़ी बेनियाजी ना फरमाते ने चल सारी कतार ही दे दे पर मैं किताबां च पढ़िया कि उस वेले पहले ऊंट की मुहार कंबर ने पकड़ी सी कंबर ने मुहार उत्थे सट्टी ते आप उत्थे जाके खलो गया ते मौला अली फरमाते ने कंबर तेनू की होया कहिंदा सोहणिया तेरी सखावत वेख के डर गया किधरे मैनू भी नाल ही ना दे दे आ जे ले चलना उधर ते मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार उते थोड़ा जिहा हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए हाथ बिल्कुल नहीं झुकना मत किधरे कुछ शहीदी नू हो जाए मैं पता है रात दे 1:30 बजे बंदा सुभान अल्लाह कहें जोगा रहिंदा ही नहीं हाँ ये तो मेहरबानी है जी अजे भी बोली जा रहे हो सुभान अल्लाह
بخاری رحمت اللہ علیہ فرما دینے مولا والے مولا والے سخی نہیں بندے दरवाजा कड़ गया मेरे नबी दा हुज़ूर ने फरमाया कौन आवाज आई हुज़ूर मैंने भूख लगी है ते रोटी दरकार है मेरे नबी साहब ने फरमाया कोई घर ले जाओ तेनों रोटी खिला दो किसी सहाबी के घर रोटी नहीं नबी पाक ने फरमाया अली जी यार फरमाया इन्हों नाल ले जाओ ते मेरी बेटी ने फरमाया जे इन्हों रोटी खिला दे मौला अली मंगते नु घर ले गए दरवाजे च खड़ा करके फरमाया तू फिर मैं देखा कुछ है आके सैयदा ज़ारा पाक ने पूछा को रोटी को खावन ले है सैयदा अर्ज की हुजूर अज तीन दिन गुजरे ने के घर में चूल्हा भी नहीं जलिया हुजूर रोटी तो कोई नहीं फरमाया ज़ारा तुहाडे बाबा ने मंगता भेजा तो रोटी खिला नहीं सखी वो नहीं होंदा जिहड़ा अपने तन उत्ते कीमती पोशाक पहन लवे सखी वो भी नहीं होंदा जिहड़ा अपने पेट च लजीज खाने डाल लवे सखी उन्हों कहते हैं कि अपने घर में तीन दिन का फाका हो बूहे तो मंगता भी खाली ना जाए सखी उन्हों कहते हैं सैयदा ज़हरा पाक अर्ज कर दिया ने हुजूर मंगत नु कहो दो घड़ियां ठहर ते मैं इंतजाम कर लिया संदूक खोलिया संदूक विच ओ चादर निकाली जड़ी बाबा जान ने इक्को ही जहेज़ विच चादर दित्ती सी ते अज सैयदा ने अपने सरे अकदस उत्ते लै के देखी भी नहीं नवी चादर मौला अली देख ना फरमा दिया लै जाओ तो शमून यहूदी की दुकान से चादर बेच के ना ज्यों खरीद के लियाओ तो मैं आटा बना के रोटी पका के मंगते खिला देव मौला अली जो चादर ना लई ना तो लैके मंगते टुरे टुरे शमून यहूदी की दुकान से गए आप ले जाके फरमाया आ चादर ला ला जाऊं दे दे यहूदी कह लगा ली एडी भी कड़ी लोड़ पै गई चादर बेच के जाऊं पे मंगते चादर नबी दी बेटी दी जहेज दी चादर है दरवाजे ते मंगता आ गया है ओनू खाली भी नहीं भेजना चादर ला ले जाऊ दे दे नौजवानो जानारे शमून यहूदी ने जाऊ दिते नले चादर वापस कीती नले रो के कह लगा अली जांदियां जांदियां अपने नबी दा कलमा पढ़ाई जा फरमाया शमून होया की आ कह लगा मैं तो रात च पढ़या है नबी दे घराने दी निशानी आवेगी मैं निशानी पढ़ी है नबी देख उन्हें दिया आदत ही नबी वर्गी केड़ा केड़ा रंग पेश करा इमामे हसन ते हुसैन एक दिन हज करन जा रहे मदीने तो मक्के वाले अचानक राह विच भुख लग गई इमामे हसन हजरत इमामे हुसैन नु फरमाते ने भाई जान भुख लगी कुछ खामल ली है आपने फरमाया नहीं हुजूर खामल ली तो कुछ नहीं खत्म हो गया खाना और सामने कखां दी कुली ते इजाजत होवे ते कुछ खामल ही लेके आवां फरमा चल दो में भी इकट्ठे चलने दरवाजा खटकाया ते माई बाहर आई इमाम हसन फरमा ने अम्मा जी असी मदीने दे मुसाफिरां ते काबे दे हाजियां ते कुछ खावन नु मिल जाए सदे चक वाले ए मदीने वाले दी सखावत किसे वेखनी होवे ते रब करे सारे दे नसीबा विच रमजान शरीफ का रोजा को मस्जिद नबी च इफ्तार करके आवे जब लखा लोग एक वक्त च बैठ के रोजा इफ्तार कर देना ते मेरे वर्गे दरवेश ते फकीर उठे वेख के सोचते होंगे ने वाह मदीने वाले हो वो 15 सदियों के बाद तुसी नबी दे परौणे नाल इन्ना प्यार कर दे हो जो कमली वाला आया होगा तुसा किन्ना को प्यार किया होगा माई ने जो आपने फरमाया ना कि माई जी भुख लगी कुछ खावन नु मिल जाए तो माई हजरत इमामे हसन ते हुसैन का चेहरा वेख्या ना तो रोन लग पे तो रो के आसमान वल वेख के कहती है कदे एडा गरीब ना ना बना दो एडे सोहने परोहे कदे खाली ना जान दें माई हाथ जोड़ के कहन लगी मैं बड़ी गरीब हाँ तो मेरे घर खावन भी कुछ नहीं तो माफ ही करे जाए इमामे हसन फरमाते ने माई जी असा खाली नहीं जाना एक पानी का प्याला पिला दो
माई बड़ी खुश होके कह लगी जे दो घड़ियां ठहर जाओ तो मैं तुहानूं बकरी दा दुध धो के ना पिला देवां। माई दुध दा प्याला भर के लगी अद्धा इमाम हसन ने पी लिया अद्धा इमाम हुसैन ने पी लिया। माई जे अगले जांदे आंदे करो के कह लगी मैं केड़ी मां दे लाड ए जांदिया दस जाओ केड़ी मां दे पुत्तरो कदे मिलन जी करे किथे आवां। इमाम हसन मुड़ के फरमाउण लगे अम्मा कदे मिलन जी करे मदीने आ जाई। माई कह लगी वे हुंदे कौन फरमाया अम्मा मदीने आके मुहम्मद पुत्रां दा वेड़ा पुछ गया मुहम्मद पुत्रां दा वेड़ा पुछ गया। नौजवान दोवे वीर हज करके मदीने आए एक दिन इमाम हसन ने उस माई नु मदीने दी गलियां च फिरदा वेख लिया। माई बड़ी वडेरी माई ना पहचानिया पर इमाम हसन पहचान गए। माई नु घर लिया के ना बड़े दिन माई दी खिदमत तवाजू की थी। एक दिन माई कहंदी वे मुंडिया मैनू मेरे घर क्यों नहीं जाण देंदा। इमाम हसन ने माई नु 1000 बकरी ते 3000 दिरहम दित्ते। 1000 बकरी ते 3000 दिरहम कैलकुलेट करके देख लो पैसे कितने बनते। माई जदों दरवाजे च गई ना तो इमामे हसन फरमाते ने अम्मा जी ये मैं अपना हिस्सा देता है ते अद्धा प्याला हुसैन भी पीता सी। माई नु इमामे हुसैन दे घर छोड़ आया। इमामे हुसैन भी बड़े दिन माई की खिदमत करते रहे। एक दिन माई कह लगी मैनू जान क्यों नहीं देते। इमामे हुसैन ने भी माई नू 1000 बकरी ते 3000 दिरहम दे के कान च फरमाते ने अम्मा जी जो पहले मेरे घर आंदे तो मैं बहुते देने सन हुण वड्डे वीर तो ज्यादा नहीं पिया देंदा। किधरे वड्डे वीर नू इह ना लगे कि मेरे ना छोटा होके तो मेरा वड्डा सखी बनता है। माई 2000 बकरियां ला के जड़े वेले मदीने दी जू चो निकलन लगी मुड़ के कहन लगी वे ना दिन खिदमतां करदे रहे हो सच्ची पुछो मैं पहचाने कोई नहीं कौन। हजरत इमाम हसन फरमाउण लगे अम्मा दुध दा प्याला पिला के इत्थे ही भुल गई असी ते तेरे मुहम्मद दे आ कयामत आ लैण दे असा तेनों उत्थे भी नहीं भुलना हुण तेनू कयामत नू जन्नत च नाल लैके जाणा है क्योंकि तू दुध दा प्याला पिला है। पता लग्या सखी रसूल दे सखी घराने वाले। मैं इहदा तर्जमा जे करिया करना बड़ा लजपान है तेरा घराना या जिन्नू एक बार भी लगदा ना मैं नबी दे घराने दे सदके ते पलना ओह हथ खड़ा करे बोला जिदा खाइए ओदा तो सारे मिलके मेरे नाल पढ़िए बड़ा लजपान है तेरा घराना या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पलता है जमाना या। गिरामी कदर हजरात ने जिन्होंने गुड़ती नबी करीम ने अदा की फिर वह गुड़ती से गए उन्होंने हर अदाई नबी वर्गी हर अदाई नबी वर्गी। एक दिन इमामे हसन का दरवाजा खड़किया आपने पूछा कौन आवाज मंगता आए फरमाते ने दो घड़ियां ठहरी मैं वेखा कुछ देवन ली है। अंदर गए तो 10000 दिरहम का ढेर लगया। मंगते ने फरमाते ने अंदर आओ अंदर आया फरमाया चादर बिछा उन्हें चादर बिछाई फरमाया 10000 दिरहम रख के सारे ही लै जा। असा तो जुमे वाले दिन मस्जिद की झोली च 10 रुपए पाने होवन ते 20 वारी सोचने एडे वड्डे सखियां सी। पर देख मैं तेनों सखियां दे घराने की गल सुना रहा 10000 दिरहम मंग तेनों फरमा चादर ते रख सारे ही लै जा। वो उठावन लगा तो उठाई ना जाओ मंग तेनों फरमाते ने जब बाजार चो मजदूर लगे आ कि पैसे तेरे घर छोड़ा वो उन्हें दो मजदूर दिहाड़ी ते लगे लिया उन्होंने पैसे उठा उठा के मंगते दे घर छोड़ के आए। जो मंगता तुरया ना तो आप फरमाते ने यार इन्होंने मजदूरों को दिहाड़ी ना देवी दिहाड़ी भी मैं देवगा। वो मंगता दरवाजे च गया तो इमामे हसन फरमाते ने यार मैंने जाता माफ नहीं कर जाता। वो
मुड़ के कहता सोने माफी थे ओ मांगता जेड़ा कुछ ना दे इना दे के फिर माफी पे मांगना है। आपने फरमा देना तो है सी नबी का दोतरा जुआ पर माफी ते मांगना ओ जेड़ा तेनो दरवाजे च खिलार के आख्या सी ना जरा इंतजार कर मैं देखा कुछ देवन ले है कि नहीं माफी उस इंतजार की पे मांगना। इमामे हसन फरमाते होंगे सन सखी वह होंगे जो मंगते दे सवाल तो पहले ही उन्होंने दे पूछना हजूर मंगते सवाल तो कर लेंदे करो तो आप फरमाते सन सवाल करके शर्मिंदा क्यों होवे सवाल तो पहले ही उन्होंने अता कर देना।